सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 4, कारक विभक्ति, पृष्ठ संख्या 25। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख, दिन। चित्र देखिए और समझिए। वृक्ष हमारे मित्र है। वृक्ष पर पक्षी का घोंसला होता है। माली फूलों से माला बनाता है। इन वाक्यों में पर, का, से ऐसे चिन्ह हैं जिनसे वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है। ये कारक चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की पहचान उनके चिन्हों से या अर्थ से होती है। कारक चिन्हों का विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। जैसे वह चम्मच से खाता है, से हटाने पर वह चम्मच खाता है, अर्थ बिगड़ रहा है। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। जैसे वह चम्मच से खाता है, से हटाने पर वह चम्मच खाता है, अर्थ बिगड़ रहा है। कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। कर्ता कारक काम एक्शन को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, कौन? बच्चा। यह कर्ता है बच्चा। कर्ता कारक में क्या है? काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, कौन? बच्चा। यह कर्ता है बच्चा। दो, कर्म कारक। कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे दिव्या ने तोते को उड़ाया। किसको? तोते को। यह कर्म है तोता। करण कारक। काम को पूरा करने में जो सहायता साधन करे वह करण कारक होता है। जैसे बच्चा चश्मे से किताब पढ़ता है। किससे? चश्मे से। यह पढ़ाई करने में सहायक चश्मा करण कारक है। संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कहलाता है। जैसे माँ बेटी के लिए बस्ता लाई। किसके लिए? बेटी के लिए। अंततः यह बेटी संप्रदान कारक है। अपादान कारक। जहाँ से वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे हाथ से पेंसिल गिरी। कहाँ से? हाथ से। अंततः यह हाथ अपादान कारक है। संबंध कारक। जहाँ दो के बीच संबंध बताए जाए वहाँ संबंध कारक है। जैसे मधु के पिता डॉक्टर है। किसके? मधु के। यहाँ मधु संबंध कारक है। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से काम के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी कुर्सी पर बैठी है। कहाँ? कुर्सी पर। यहाँ बैठने का स्थान कुर्सी अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, रक्षा कीजिए। यहाँ हे राम संबोधन कारक है। ध्यान देने योग्य बातें। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को चिन्ह लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को चिन्ह लगाया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। यदि किसी को कुछ दिया जाता है तो वह संप्रदान कारक होता है। साक्षी ने फलों को काटा, कर्म कारक। उसने पिताजी को फल दिए, संप्रदान कारक। हमने सीखा वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जो क्रिया या दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। कारक की पहचान चिन्हों से और अर्थ से होती है। कारक 8 है।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अभ्यास, अब लिखने की बारी। रंगीन शब्दों में कारक के नाम बताइए। कारक का नाम, रामू ने सारे कपड़े धोए, यहाँ कर्ता है, रामू ने क्या है, कर्ता। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। माँ ने पुत्र को पुस्तक दी, संप्रदान। मेरी कक्षा में 44 छात्र है, अधिकरण। माली ने फूलों से सुंदर माला बनाई, करण। कारकों के साथ कारक चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से, अधिकरण है, संबोधन में। सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। श्रीराम ने बाण से रावण को मारा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तोता पेड़ पर बैठा है। पिताजी मेरे लिए उपहार लाए। माताजी ने दुकान से मिठाई खरीदी। हे राम, मेरी रक्षा करो। कारक संबंधी अशुद्धि दूर करके वाक्य दोबारा लिखिए। शिवराज तोते का घर लाया। शिवराज ने तोते का घर लाया। नाव नदी पर तैरती है। नाव नदी में तैरती है। मैं गेंद से खेलता हूँ। यह सिमरन की रुमाल है। माँ बेटी के लिए पुस्तक लाई। बच्चे को घोड़े ने गिराया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।